हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो आरआरबी का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसका डेट कब तक आएगा, क्योंकि 15 दिसंबर से सारे लोग कह रहे थे कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके बारे में फ्रेंड्स डिस्कस करें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो गाइस, ये हिंदुस्तान का ये ई पेपर है जिसमें इन्होंने यहाँ पर देखिए मेंशन करा है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला ना गाइस, वो देखिए यहाँ पे यहाँ के एक चेयरमैन है आर एन जमाली साहब ने, उन्होंने बताया कि जो मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी की परीक्षा होगी उसके बाद ही एनटीपीसी के एग्ज़ाम संभव हैं। यानी कि आप मान के चलिए कि पहले ये देखिए यहाँ पे पहले घोषणा की थी कि 15 दिसंबर से एनटीपीसी की परीक्षा शुरू होनी है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। लेकिन क्या हुआ कि आपका ये कोविड की वजह से ये पोस्टपोन्ड हो गया है। पहले क्या होगा कि पहले तो देखिए पहले मिनिस्ट्री और आइसोलेटेड जो भर्तियां हैं उनकी परीक्षाएं होंगी 15 से 23 दिसंबर तक, ठीक है। तो आप यहीं से अनुमान लगा लीजिए कि अभी आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने ही वाला है, क्योंकि उसके बाद ये देखिए 1665 वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ देखिए यहाँ इन्होंने दे रखा है कि NTPC 23 दिसंबर के बाद संभव, यानी कि मान के चलिए कि 23 दिसंबर के बाद होनी है, तो इस माह NTPC का विस्तृत शेड्यूल आना मुश्किल है। तो आप मान के चलिए गाइस कि तो गाइस 2021 जनवरी मान के चलिए, तो अभी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपको अपडेट्स टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।